हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बिंदी का बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल। हम लेडीज़ों के पर्स में बिंदी होती ही होती है और हम बिंदी लगाना अच्छा भी लगता है और बहुत अच्छा पसंद भी करते हैं। तो बिंदी को यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इस बिंदी के पैकेट को फेंक देते हैं। सोचते हैं कि इसका कोई काम नहीं आने वाला है, फालतू वेस्ट का पेपर ही तो है, पर ये बहुत ही काम आता है। आज मैं जो इसका तरीका बताने वाली हूँ यूज़ करने का, उसके बाद में आप कभी पैकेट नहीं फेंकेंगे, इसे बचा के रखने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, बिंदी का इस तरीके से निकाल लेते हैं पन्नी और इस बिंदी का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर ये पैकेट का जितना हो सके फेंक ही देते हैं। तो आज मैं बहुत ही अच्छा से यूज़ बताने वाली हूँ। तो हमारे पास होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट, तो जो इस साइज़ का डॉक्यूमेंट होता है ना, वो इसमें आसानी से फिट हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट की साइज़ भी छोटी बड़ी होती है। तो यहाँ पर जो आधार कार्ड है और वोटर आईडी है, उसका जो साइज़ होता है ना, वो इस बिंदी के पैकेट के बिल्कुल ही बराबर होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिंदी के पैकेट छोटे बड़े भी होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप पैकेट के साइज़ का लिए हैं। उसमें इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, वो आराम से सेट हो जाते हैं। और ये डॉक्यूमेंट गलती से अगर गुम हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, और जिनका गुम हुआ है उनको मालूम है कि इसे बनाने में कितना दिक्कत आता है फिर से। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को अच्छे से रख सकते हैं अपने पर्स में, और ये कहीं नहीं खिसकने वाला है जब तक आप इसे इस तरीके से उंगली से पुश नहीं करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से ये फिक्स हो जाता है और आराम से आप इसे पर्स में रखिए या ड्रॉ में रखते हो या अलमीरा में भी रखते हो, तो ये आराम से आपको मिल भी जाने वाला है। तो बहुत ही कमाल का टिप है, इसे आप अप्लाई कीजिए अपने इस तरीके के कार्ड्स पर। तो कार्ड्स ऐसा होता है ना कि हमारे पर्स में इधर उधर पड़े रहते हैं, तो आप इसे इसी तरीके से इस तरीके रख सकते हैं। अगली टिप है मेरी इस तरीके से चाकू और सीज़र को लेके। हम कहीं बाहर जाते हैं या मान लीजिए घर में ही ये चीज़ें रखी रहती हैं, और जब हमें इसे उठाना होता है तो गलती से ये हमारे हाथों में ही लग जाता है, क्योंकि इसमें ना बहुत तेज़ धार होता है। आप घर में रखिए या कहीं बाहर जा रहे हों और बैग में ले जाना हो तब भी, और कभी होता है ना बहुत सारे लोग अपने रूम को चेंज करते रहते हैं, घर ट्रांसफ़र होता रहता है लोगों का, तो वो भी इस तरीके से जब इसे लाना ले जाना करते हैं तो ऐसे ही सिंपली रख लेते हैं। और इससे क्या, जिस भी कंटेनर में आपने रखा है, एक तो उसमें भी कट लगता है और गलती से हमारे हाथों में भी कट लगने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हर किसी के पास एल्युमिनियम फॉयल पेपर नहीं होता है, पर जो एक न्यूज़पेपर होता है ना, हर घर में अवेलेबल रहता है। तो यहाँ आप न्यूज़पेपर का यूज़ बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं इस तरीके से इसका कवर बनाने के लिए। तो जिस तरीके से मैंने चाकू पे पेपर को घुमाया है, वैसे ही हमने इस तरीके से सीज़र पे भी कर लेना है, कैंची पे भी। तो जितनी भी तीखे से चीज़ें होती हैं ना, जिससे ऐसा डर लगता है कि हमें लग सकती है, हाथों में कट लग सकता है, तो उन्हें इस तरीके से पेपर में लगा के रखिए। इससे आपके हाथों में कभी कट नहीं लगने वाला है। और जितना तीखा होता है ना, इन सबको एक साथ रखेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, ये आसानी से मिल भी जाएंगे और गलती से आपके हाथ भी कट नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से मैंने इसे रबर बैंड से अच्छे से घुमा लिया है, उसके बाद मैं इसे अगर पर्स में या बैग में रखती हूँ तो ये निकलने वाला नहीं है खुद से, जब तक मैं इसे खींचने वाली नहीं हूँ। तो ये तरीका आप भी अप्लाई कर सकते हैं इन्हें लाने ले जाने के लिए, या आप भी घर में इसे रखते हैं कहीं पर और आपको डर है कि उठाते वक्त कट लग सकता है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की टिप है। अगली टिप है मेरी इस तरीके की चाय छलनी को लेकर। तो स्टील के जो स्ट्रेनर होते हैं, जब हम इसे यूज़ करते रहते हैं तो आप देखिए होंगे इसके आसपास ना बहुत सारा कालापन हो जाता है। तो ये ऐसे गंदगी होती है जो एक दिन में नहीं जमती है, पर जब सालों आप इसे यूज़ करेंगे तो इस तरीके से ये जम जाती है, और ये हमें तब नज़र आती है जब बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसको कैसे साफ़ करना है, सबसे पहले इस तरीके से गैस पे रख देना है, और ध्यान रखना है हमने कपड़ा लेना है, डायरेक्ट पकड़ेंगे तो ये बहुत गर्म होती है, तो इस तरीके से हमने जलाना है। ये चाय की छलनी है, तो मैं इसे जला इसलिए रही हूँ क्योंकि इसके आसपास ना बहुत सारी लेयर बन गई है, जो मैं कितना भी घिसूँगी वो नहीं निकलने वाली है आसानी से। तो इससे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, अच्छे से जला लेने वाली, तो इसमें से ना बहुत सारा काला कलर निकलने वाला है। तो देख सकते हैं आप, अभी यहाँ पे एक हिस्सा जल रहा है, ये इसलिए जल रहा है क्योंकि यहाँ पर कार्बन बहुत सारा जमा हुआ है और ये आसानी से ना निकलेगा, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं इसको जला रही हूँ। तो अच्छे से जला लेने के बाद हमने थोड़ा सा पानी गर्म करना है जिसमें ये छलनी डिप हो जाए। तो मेरा यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ पीताम्बरी पाउडर। पीताम्बरी पाउडर सिर्फ ब्रास, एल्यूमिनियम, पीतल पे ही नहीं,
स्टील पे भी बहुत अच्छा काम करता है और आज मैं आपको ये दिखाने वाली भी हूँ। तो यहाँ पे छलनी गरम करते ही हमने डालना है, ठंडी छलनी में ये काम नहीं करेगा, छलनी गरम होनी चाहिए और उसके बाद में इसे डीप कर देना है। और यहाँ पर एक मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसको उबाल लेना है। इससे क्या है, बहुत अच्छा सा केमिकल रिएक्शन होगा। अगर आपका छलनी बहुत ज़्यादा पुराना है और आपने कभी क्लीन किया ही नहीं है तो यहाँ आप एक चम्मच बर्तन लिक्विड या बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका जो निशान है वो इजीली निकल जाए। तो इसे अच्छे से गर्म होने के बाद में ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब हमने किसी भी पुराने टूथब्रश से इसे क्लीन करना है। तो आप देखेंगे जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा आधे घंटे या 40 मिनट के बाद, तो आप देख पाएंगे कि इस पर जितना कालापन का निशान था ना, वो तो आसानी से निकल जाता है, पर इसके अंदर के साइड जो कॉर्नर होते हैं, जहाँ बारीकी से काम किया होता है छलनी में, वहाँ पर ये निकलता नहीं है। तो उसे निकालने के लिए हमने टूथब्रश का यूज़ करना है। तो आप देखेंगे कि जितना पीताम्बरी है ना, वो नीचे तले में जम जाएगा। तो वो हमने टूथब्रश की मदद से हल्के हाथों से निकालना है और इसके ऊपर अच्छे से फैला देना है। और उसके बाद में जहाँ जहाँ भी आपको काले निशान दिख रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छे से इसे रब करना है। आप जितना रब करते जाएंगे ये उतना क्लीनिंग होती जाएगी। अगर आप रब नहीं करते हो, इसी तरीके से इसे वॉश कर लेते हैं, तो ये क्लीन तो हो जाएगा पर अंदर की तरफ जो पार्टिकल्स होंगे या गंदा कालापन होगा वो नहीं निकलेगा आसानी से। तो इस तरीके से आप टूथब्रश का यूज़ कीजिएगा तो आपको भी मदद हो जाएगी कि वो भी आसानी से क्लीन हो जाएगा। तो अच्छे से इसको रब करने के बाद हमने इसे पानी से नहीं धोना है यहाँ पर, क्योंकि अभी भी ऐसा हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत गंदगी रहे। तो हमने कपड़े से अच्छे से इसे रब करना है। जैसे हम किसी कपड़े से किसी चीज़ को चमकाते हैं ना, जैसे पीतल कांसा के बर्तन जो हम घिसते वक्त बाद में चमकाते हैं या उसके ऊपर से पानी सुखाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से अच्छे से रब कीजिएगा। पीताम्बरी बहुत अच्छा काम करता है स्टील के ऊपर, और मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाई है ना जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो आप इन वीडियो को मेरे चैनल पर जाके देखिए, सफाई से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स है जो आपके रियल की जो लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है ना सफाई से रिलेटेड, उनको आसान कर देने वाली है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और पीताम्बरी का और लिक्विड उसमें से निकाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉर्नर में लग रहा है कि अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई है। तो इसे भी निकालने के बाद में यहाँ पर ये जो कॉर्नर होते हैं ना, यहाँ पे होता ही है कि जमता रहता है गंदगी और हम उसे ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। तो एक बार ये आप 2 महीने या 3 महीने में जब भी आपके पास टाइम हो और आपको लगे गंदी हो गई है, तो अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग ज़रूर कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चाय से रिलेटेड है। तो चाय हमारे यहाँ एक ऐसी चीज़ है जो डेली ही बनती है, पर इसका जो क्लीनिंग होता है ना वो बहुत ही कम किया जाता है। तो अच्छे से इस तरीके से इसका डीप क्लीन कीजिए और अच्छे से 2 से 3 पानी में वॉश कर लीजिए और अच्छे कपड़े से आप इसे साफ़ कर लीजिए। आप इसका जो रिज़ल्ट देखेंगे ना, आप भी चौंक जाएंगे क्या इतना अच्छा क्लीनिंग हो जाता है। तो आप ये ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छा सा क्लीनिंग होता है। देखने के लिए आपका धन्यवाद।